अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप हमेशा की तरह आप लोग बिल्कुल ठीक और खैरियत से होंगे। तो आज मेरी फ्रेंड के साथ हमारा प्लान था कि हम PAF म्यूज़ियम विज़िट करें और यहाँ हम पहुँच गए हैं और तकरीबन ये शाम 5 बजे का टाइम है। हमारा प्लान था कि हम थोड़ा और जल्दी पहुँचेंगे लेकिन थोड़ा लेट हो ही गए हैं क्योंकि अब जो है जैसे मगरिब जल्दी हो जाती है तो हमें यह था कि हम थोड़ा जो है डे टाइम पर हम पहुँचें क्योंकि यूजुअली ये होता है कि डे टाइम पे आप ज़्यादा अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे सब कुछ बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है और मैं जब स्कूल में थी मैं तब उस टाइम पे मैं यहाँ पे विज़िट किया था स्कूल वालों के साथ, तो कुछ चीज़ें तो मुझे याद आ रही हैं और कुछ चीज़ें बिल्कुल ही मेरे हिसाब से न्यू है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे एक तो हर जगह इतनी ज़्यादा डिस्टेंस पर बनी हुई है तो इसलिए बस मैं तो थका के थोड़ा बैठ ही गई थी क्योंकि आगे फिर हमें अभी बहुत चलना बाकी था। बस अब हम यहाँ पे अंदर जाएंगे और अंदर जो है ये थोड़ी थोड़ी मेरी मेमोरी रिकॉल भी हो रही है क्योंकि मैं बिल्कुल जो है अपने बचपन में आई थी स्कूल के साथ और यहाँ पे कुछ चीज़ें तो वही हैं, लाइक मुझे स्टेयर्स तो ये बिल्कुल याद हैं पक्की और ये जो प्लेन्स जो है बिल्कुल जो सेंटर हॉल में खड़े हुए हैं ये भी मुझे याद हैं। बाकी बहुत सी चीज़ें जो कि यहाँ पे चेंज भी हुई हैं, अगर आपको याद हो तो फरवरी 2019 में हमारे एक एयरफोर्स फाइटर हसन सिद्दीकी ने इंडियन एक फाइटर प्लेन को मार गिराया था जो कि पाकिस्तान की प्रीमिसेस में एंटर होने की कोशिश कर रहा था और जो वहाँ के एयरफोर्स फाइटर थे उनका नाम था अभिनंदन। और ये देखें ये प्लेन की ये हालत हुई थी और ये जो हालत नहीं तो मैंने फ़र्स्ट टाइम ही देखी है कि अगर कोई प्लेन क्रैश हो जाता है तो उसका क्या हशर होता है, ये आप लोग बहुत प्रॉपरली यहाँ पे देख सकते हैं। तो वो उसी प्लेन के जो रैकेज है वो यहाँ पर डिस्प्ले में लगाया हुआ है उन्होंने और यहाँ पे हर तरह के एयरक्राफ्ट्स और जो भी हैं ये सब मरीन्स वगैरह इन सब के इंजन वगैरह रखे हुए हैं और रडार सिस्टम है और जिनसे जो है ये कांटेक्ट किया जाता है पायलट्स वगैरह को और कैप्टन्स को, तो वो सारे सिस्टम्स यहाँ पे रखे हुए हैं इन्होंने। और इसके अलावा सबसे बेहतरीन बात ये है कि यहाँ पे जो सिस्टम इन्होंने रखा हुआ है लाइक कोई इंजन है या जो भी इन्होंने रडार है और जितनी भी चीज़ें रखी हुई हैं उससे रिलेटेड उन सब की डिस्क्रिप्शन ऊपर इन्होंने ज़रूर मेंशन की हुई है। तो ये बेहतर यही है कि अगर जो है आपके छोटे बच्चे हैं तो उनको ज़रूर यहाँ पर लेकर आएँ और उनको एक एक डिटेल बहुत प्रॉपरली बताएँ, उससे ये होता है कि उनकी नॉलेज में इजाफा होगा। और ये हमारे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के तमाम पासपोर्ट्स रखे हुए हैं और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ये आप ख़ुद आके देखेंगे तो आपको ज़्यादा आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। ये तमाम जितने भी इनके पासपोर्ट्स थे तमाम यहाँ पे उन्होंने सेव किए हुए हैं और यहाँ पे कायद आज़म की कुछ पुरानी पिक्चर्स मौजूद हैं लाइक उस टाइम पर जो पाकिस्तान एयरफोर्स के एम्प्लॉज़ वगैरह थे उन सब के साथ कुछ हिस्टोरिक पिक्चर्स मौजूद हैं जो उन्होंने फ्रेम करके यहाँ पर बहुत अच्छे से यहाँ पर प्रजेंट की हुई हैं। और जो एयरक्राफ्ट है वाइकिंग 1B जिसके नीचे जो है कायद आज़म और मोहतरमा फातिमा अली जिन्ना का इन्होंने मॉडल खड़ा किया हुआ है, ये एयरक्राफ्ट कायद आज़म के पर्सनल यूज़ में था, उनकी डेथ तक जो है ये इनके पर्सनल यूज़ में था। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं आई थी तो आई वाज अ किड और इतनी मुझे कोई इंफॉर्मेशन तो नहीं थी, मैं सिर्फ आई थी और घूम के देख के वापस चली गई थी, मुझे कुछ पता नहीं था। लेकिन अब मैं आई हूँ तो मैंने एक एक चीज़ मैंने यहाँ पे रीड की है, मैंने देखा कि कौन सी चीज़ क्या है किस चीज़ से रिलेटेड है, तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा था मुझे ये। और यहाँ पे ये कि हर स्पेसिफिक एरिया की बहुत ही डीप डिटेल्स मौजूद हैं जो कि मैं एक वीडियो में ये सब कवर नहीं कर पाऊँगी लेकिन मैं आपको सजेस्ट यही करूँगी कि आप यहाँ पे विज़िट करें और यहाँ पे एक एक डिटेल आप ख़ुद देखें, आपका ख़ुद ब खुद आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा मेरी तरह। और यहाँ पे मैंने ख़ुद बहुत इंजॉय किया और यहाँ पे ऐसा होता है कि मैं अलग घूम रही थी, मेरी फ्रेंड अलग घूम रही थी, इसके अलावा मेरे और मेरी फ्रेंड के हस्बैंड अपना अलग घूम रहे थे। मुझे ये था कि ऐसा लगता था कि मैं बहुत नई चीज़ें एक्सप्लोर कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थी जो मुझे पता ही नहीं थी, तो मैंने काफ़ी इन्जॉय किया यहाँ पे। और जितना ज़्यादा मैं बाहर चल चल के थक गई थी उससे ज़्यादा मैं यहाँ पे थक गई थी, लेकिन मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था कि मैं कोई भी पार्ट कोई भी एरिया यहाँ पर मिस कर दूँ। मैंने यहाँ पे तकरीबन 90% एरिया को तो कवर किया है और मैंने यही डिसाइड किया था कि मैं तमाम जो है इन वीडियोस को कंपाइल करके एक व्लॉग ज़रूर इसका क्रिएट करूँगी। किस रैंक के एयरफोर्स ऑफिसर को कौन सा बैज दिया जाता है तो वो तमाम इंफॉर्मेशन यहाँ पे मौजूद है और ये आप लोग बहुत प्रॉपरली देख सकते हैं।
और ये जो है तमाम जो है ओल्ड रैंक बैजेस और ये न्यू रैंक बैजेस, ये तमाम इसमें मेंशन है। और ये जितने भी बड़े अवार्ड दिए गए हैं लाइक ये तमगा इम्तियाज, निशान हैदर, तो ये तमाम यहाँ पे जो है लगे हुए हैं। अच्छा, हमने एंटर होते ही उल्टी साइड से जो है इसको देखना स्टार्ट किया, जबकि अगर हम इस साइड से स्टार्ट करते तो यहाँ से जो है सीरीज़ ऑफ इवेंट्स शुरू होती है। यहाँ से बिल्कुल स्टार्ट से जो है पहला एयरक्राफ्ट कब और कौन सा फाउंड हुआ था, उसके बाद जो भी जितनी इवेंट्स की डिटेल्स हैं वो तमाम यहाँ से स्टार्ट होती हैं। और यहाँ पे पाकिस्तान एयरफोर्स की मिशन स्टेटमेंट, उनका विजन स्टेटमेंट और इनके कोर वैल्यूज़ यहाँ पे मेंशन है। यहाँ पे हिस्ट्री में जितने भी वॉर्स एंड कॉम्बैट्स गुजरे हैं उसके इन्होंने यहाँ पे छोटे छोटे मॉडल क्रिएट किए हैं और जो है इट्स क्वाइट अट्रैक्टिव। और इसमें जितने भी वेपन्स यूज़ हुए हैं, कौन सी वॉर में कौन सा वेपन, कौन सा एयरक्राफ्ट यूज़ हुआ है, वो तमाम यहाँ पर मैंशन है। यहाँ पे हमारी नेशनल फोर्सेस के बारे में, हमारे नेशनल हीरोज़ के बारे में और उनके तमाम सेक्रीफाइसेस के बारे में बहुत ही डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मौजूद है, जो मुझे लगता है कि सबको जो है इसके हवाले से इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। और ये देखिए, ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये किस तरह फ़िज़ा में रहते हुए ही एयरक्राफ्ट को रिफ्यूल किया जाता है, ये उसका पूरा मॉडल बना हुआ है। और इतना चलने के बाद मेरे जो पैर हैं बिल्कुल ही कोई ख़त्म हो गए थे, और वैसे भी अब बस अब जाने का टाइम आ रहा है। और ये जाते जाते मुझे जो है ये एक स्विंग दिख गया था और ये बिल्कुल जो है सिंबाद की क्रेज़ी बस की तरह लग रहा था। ये छोटा सा एक जो है जेट बना हुआ है, तो इस पर मैंने कहा जाते जाते इस पर मैं ज़रूर बैठूँगी और इस पर बहुत मज़ा आया था। और यहाँ आगे एक ऑक्टोपस भी बना हुआ है जो कि ये बहुत ही अच्छा लग रहा था, लेकिन जितने भी गोल घूमने वाले झूले हैं उसमें मैं बैठ नहीं सकती, मुझे चक्कर आते हैं। तो बस अब आज का व्लॉग यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा। अब हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।